लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज कैबिनेट विस्तार कर सकती है। इसमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के विधायकों को भी जगह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एवं पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को सरकार में जगह मिलेगी, तो हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा बने रालोद के एक या दो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इस पर चर्चा तेज है। इसके अलावा बीजेपी से भी एक दो चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को लखनऊ लौट रही हैं। इसके बाद राजभवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। इस कैबिनेट विस्तार में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी MLC दारा सिंह चौहान और जयंत चौधरी की पार्टी RLD के कोटे से एक या दो विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रालोद से दलित चेहरे के तौर पर मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक अनिल कुमार को मौका दिया जा सकता है। वहीं रालोद से जाट चेहरे राजपाल बालियान की भी चर्चा तेज है। बालियान रालोद के विधानमंडल दल के नेता भी हैं। रालोद से MLC प्रत्याशी बनाए गए योगेश चौधरी का भी नाम चर्चा में है। चर्चा ये भी है कि इस बार का कैबिनेट विस्तार बहुत छोटे स्तर पर होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार राजभवन में होना है। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को NDA में शामिल हुए लंबा वक्त हो चुका है। उनके कई बार मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर रही, लेकिन अब तक उन्हें UP सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर वो कई बार खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता तब तक होली नहीं मनाऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी। ओम प्रकाश राजभर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाली अति पिछड़ी राजभर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दारा सिंह चौहान का ताल्लुक पूर्वांचल के कुछ जिलों में खासी तादाद में मौजूद लोनिया चौहान बिरादरी से है। हाल ही में NDA का घटक बने रालोद को भी मंत्रिमंडल में एक या दो स्थान मिल सकते हैं। रालोद कोटे से विधानसभा में पार्टी के नेता और मुजफ्फरनगर की बुड़ाना सीट के विधायक राजपाल सिंह बालियान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री हैं। इस तरह मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 52 है। नियमानुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 60 हो सकती है। ऐसे में अभी 8 और सदस्य इसमें शामिल किए जा सकते हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार थे, लेकिन इसकी संभावना को बीते शुक्रवार को तब और बल मिल गया जब CM योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर BJP की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया और लखनऊ वापस लौटकर उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।